हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सी गर्पी से आपका स्वागत है और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए द इंटरव्यू चैप्टर के बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीआर के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इससे पहले इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं जहाँ पर अपडेटेड प्ले है क्लास ट्वेल्थ की टू थाउजेंड के नाम से और सब कुछ वहाँ मिलने वाला है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डू यू थिंक उम्मर टू एक्को लाइक्स बींग इंटरव्यूड गिव रीजन आपको लगता है उम्बर टू एको को इंटरव्यू देना अच्छा लगता है आपको रीजन बताना है तो अगर हम देखें नो सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर वुड नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यूर इन ए स्पिरिटेड मैनर इन विच एक आंसर द क्वेश्चन पोस्ट बाय द इंटरव्यूर मुकुंद पदम्बान मुकुंद ने जो भी क्वेश्चन पूछे वो बड़े अच्छे से उन्होंने आंसर दिए तो इगो का जो ऑनेस्ट वे था टू आंसर ऑल क्वेश्चन सो हम्बली ट्रूथफुल एंड सिंसियरली और इन ग्रेट डिटेल वो क्या शो करता है कि ही लाइक्स बींग इंटरव्यूड कि उनको इंटरव्यू देना अच्छा लगता है एंड ही डजेंट माइंड शेयरिंग ही सीक्रेट्स और उनको अपने सीक्रेट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या एक्सपीरियंसिस को शेयर करने में भी प्रॉब्लम नहीं है दुनिया के साथ सो एट नो पॉइंट हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंटरव्यू को जल्दी से एंड करना चाहते हैं बल्कि हर क्वेश्चन का रिप्लाई बड़े अच्छे से वो देते रहते हैं तो हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच इको को इतना टाइम कैसे मिलता है इतना कुछ लिखने के लिए तो हम कहें वो टाइम की बहुत वैल्यू करता है इनफैक्ट ही वैल्यूज ईच एंड एवरी सेकेंड और वो यूटिलाइज करते हैं इवन द इंटस्ट्रिस इंटस्ट्रीसिस क्या होते हैं जो छोटा सा एम्प्टी स्पेस होता है गैप्स होते हैं एनी टू पीसिस ऑफ लिटरेचर रिटन बाई हिम जो भी वो करते हैं जैसे सपोज हमारे Uh, कहीं पहुंचने में और किसी के वहां तक पहुंचने में जो पाँच सात मिनट का गैप है उसी को यूटिलाइज कर लेते थे तो मोस्ट ऑफ अस इग्नोर दिस टाइम बट ई को यूज़ इट इन ए प्रोडक्टिव मैनर तो दस ही हैज़ फाउंड टाइम टू राइट ए लार्ज नंबर ऑफ वर्क सो हम कहेंगे कि उन्होंने बड़े सारे जो हैं वर्क लिख लिए थे जस्ट बिकॉज यूजिंग दैट टाइम सो वट वाज डिस्टिंगटिव अबाउट इकोज अकेडमिक राइटिंग स्टाइल अब इको का अकेडमिक राइटिंग स्टाइल की खास बात क्या है कि इको का जो स्टाइल है इट वॉज डिस्टिंगटिव क्योंकि इसमें नेगेटिव टच है रिटर्न इन द मैनर ऑफ ए स्टोरी और जो इन कंट्रास्ट टू द रेगुलर अकेडमिक स्टाइल उससे हट के सो विच इज़ इन वेरिएबिल डीपर्सनलाइज ड्राई एंड बोरिंग कहने का मतलब क्या है कि उनकी कहानी में जो है नरेटिव टच मिलेगा यानी आई वर्ड यूज़ किया गया होगा कि मैं ये कर रहा था मैं वो कर रहा था लाइक like, तो इवन उनकी जो स्कॉलरली वर्क्स हैं उनमें भी प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी है जो उसको यूनिक बनाती है ही रोड बुक्स फॉर चिल्ड्रन ऑन नॉन वायलेंस एंड पीस और उन्होंने ये बुक्स लिखी थी बच्चों को लेकर यानी नॉन वायलेंस और पीस के ऊपर एंड ही परस्यूड हिज फिलासफिकल इंटरेस्ट थ्रू हिज एकेडमिक वर्क एंड नावल तो अपने जो फिलासफिकल इंटरेस्ट हैं वो अपने एकेडमिक वर्क अपने नोवेल के थ्रू वो पूरे करते हैं यानी उनका जो भी मन करता है वो लिख लेते हैं

मेरा काम है एकेडमिक्स से रिलेटेड काम करना लेकिन लोगों की सोच अलग है सो व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नावल द नेम ऑफ द रोज क्या रीज़न है इस नोवल की सक्सेस का यानी जो इस नोवल की सक्सेस की बात करें तो एक मिस्ट्री है टू द ऑथर हिमसेल्फ लेकिन कुड पॉसिबली भी बिकॉज क्योंकि इसमें जो डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस उसने दिया है रीडर्स को जो कभी चाहते नहीं थे कि इजी रीडिंग एक्सपीरियंस उसको लेना है दोज हु लुक एट नॉवल्स एज ए मशीन फॉर जनरेटिंग इंटरप्रिटेशंस वो कहते हैं कि देखो हर तरह के लोग होते हैं वो कहते हैं कि यही रीज़न है जो सेल इस नॉवल की है वो अंडर एस्टिमेट की गई थी इवन अमेरिकन पब्लिशर्स ने जबकि जो रीडर्स हैं एक्चुअली इंजॉय द डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस दैट वॉज ऑफर्ड बा तो और बाय रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट ट्रूथ उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था ट्रूथ और द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड को लेकर इस नॉवल में कहते हैं लेकिन लोगों ने इसे बहुत पसंद किया क्यों क्योंकि इसकी जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी ईजी नहीं थी कॉमिकल नहीं थी और मेटाफिजिकल को लेकर या थियोलॉजी को लेकर क्वेश्चन थे इसमें सो वट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज तो जो पॉजिटिव व्यूज हैं इंटरव्यूज के दे आर दैट ये एक मीडियम है कम्युनिकेशन का बातचीत करने का और साथ में किसी की सच्चाई को जानने का इंफॉर्मेशन निकलवाने का सो सम इवन लुक एट इट एज एन आर्ट कुछ लोग कहते हैं एक आर्ट की तरह तो दिस चीज वी नो अबाउट द सेलिब्रिटीज एंड अदर थ्रू देयर इंटरव्यूज हम उन सेलिब्रिटीज के बारे में कैसे जान पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज की वजह से तो हम कहेंगे एक बड़ा सॉलिड मीडियम है कम्युनिकेशन का सो वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बींग इंटरव्यूड क्या रीज़न है कि उनको अच्छा नहीं लगता जब उन्हें इंटरव्यू लिया जाता है उनका तो मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स वो हेट करते हैं बींग इंटरव्यूड बिकॉज दे लुक एट इंटरव्यू एज एन अनवरेंटेड इंट्रूजन इन टू देर लाइफ कहते हैं ये उनकी लाइफ में अन इंट्रूजन है यानी कोई भी उनकी लाइफ में आ जाता है ऑल ऑफ ए सडन माइक ले कि बताइए ये किया क्यों किया तो वो सोचते हैं कि ये उनके डिमिनिश कर देता है उनकी पर्सनैलिटी कम होती है दे फील दैट दे आर वोंडेड बाय द इंटरव्यूज एंड लूज ए पार्ट ऑफ दमसेल्स कि वो जख्मी हो जाते हैं और शायद उनकी जो लाइफ का या उनके पार्ट जो बॉडी का एक पार्ट उनसे अलग हो जाता है और वो इंटरव्यू को इमोरल कहते हैं एक क्राइम एक अपराध बोलते हैं और अनवॉन्टेड एंड अनवेलकम इंटरप्शन है उनकी लाइफ में सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिलीफ इन सम समरीमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड अब अगर वो कहते हैं कि अगर आप फोटोग्राफ पुराने कल्चर में देखा जाए अगर आप किसी की फोटोग्राफ लेते हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि फोटोग्राफी को वो लोग कोंडेम्ड करते हैं अच्छा नहीं मानते और इसे शक की नजरों से देखते हैं सस्पिशन के साथ देखते हैं वो डिसलाइक करते हैं बिकॉज दे हैव ए क्राउन लेस एंड फॉल्स फियर उनके मन में जो एक अजीब सा डर है ऑफ सॉल बीग रॉब्ड इफ दे आर फोटोग्राफ्ड कि अगर उनकी फोटोग्राफ ले ली जाती है सो वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द एक्सप्रेशन थम प्रिंट ऑन द विंड पाइप इसका क्या मतलब है सो सोल बेलो एक बार उन्होंने डिस्क्राइब किया था इंटरव्यू एज बींग लाइक थम प्रिंट ऑन द विंड यानी कोई आपका गला दबार है इट मीन्स ही टी डे इंटरव्यूज एज अ पेनफुल एक्सपीरियंस कहते हैं बड़ा पेनफुल होता है समथिंग दैट कॉट हिम बाय द विंड पाइप स्क्विस्ड हिम एंड लेफ्ट इंडेलिबल इम्प्रिंस ऑन दैट सो इट ऑल्सो मीन्स दैट इसका मतलब क्या है वो जब इंटरव्यू जो है फोर्स करता है पर्सनल डिटेल्स फ्रॉम हिज इंटरव्यू इट बिकम्स अनडिजायरेबल एंड अनबीरेबल कहता है कोर्स जब आपसे वो कुछ ऐसी बातें पूछना चाहते हैं जो आप उनको जवाब नहीं देना चाहते तो आपके लिए वो अनडिजायरेबल सा होता है आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं आज की डेट में देखें तो हमारा चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर्सनैलिटी के बारे में क्या है तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या है इंटरव्यूअर यस yes, इंटरव्यू interview या इंटरव्यू जो है या इंटरव्यू लेने वाला वही आज के टाइम में एक चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आज के वर्ल्ड में और हमारे जितने भी बिल्कुल जो क्लियर इंप्रेशंस हैं कंटेम्प्रेरीज के में वो सारे के सारे कम्युनिकेशन जो इंटरव्यू के थ्रू होती है उसी के थ्रू हम जान पाते हैं तो इसलिए हम कहेंगे इंटरव्यूज होल्ड ए पोजिशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस तो ये लोग जो हैं बड़ी एक पावर की पोजीशन है इनके पास जैसे हम कहेंगे कि न्यूज़पेपर वाले जो होते हैं यानी जो एंकर वगैरह होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं सबका तो इससे हमें बहुत कुछ पता लगता है वट मेक्स इकोज द नोवल द निम इज़ ए वेरी सीरियस नोवल अब क्या चीज़ है अब मैंने आपको बताया कि इसको सीरीस बनाने वाली चीज़ें क्या हैं क्योंकि इसमें मेटाफिजिक्स है थियोलॉजी है मडीवल हिस्ट्री है यानी जो फिफ्टीन सेंचुरी की इतिहास है मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी कुछ धार्मिक बातें भी जो की गई हैं इसमें तो ड्यू टू दिस रीज़न इट वॉज ग्रेटली रिसीव्ड बाई द पब्लिक कुछ चर्च को लेकर भी इसमें डिस्कशन है लाइक like, तो इसलिए जो है लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है सो वट अकॉर्डिंग टू इको पजल्स चावलिस टेन पब्लिशर्स क्या चीज़ है जो उनको पब्लिशर को कन्फ्यूज करती थी तो ऑफकोर्स वो थी इसकी जो सेल uh, को लेकर हम कहेंगे यानी लोगों को ये लगता था कि उन पब्लिशर को लगता था कि लोगों को ट्रैश पसंद है कॉमिकल चीज़ें पसंद है उनको डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस पसंद नहीं है लेकिन जो इको का ही नोवेल की बात करें वो सीरियस टाइप का नोवेल है फिर भी टेन टू फिफ्टीन मिलियन कॉपी अकेली इस नॉवल की सेल हुई जो कि बहुत बड़ी बात है तो अब क्या रीजन है कि एको जो है नॉवल लिखना स्टार्ट करते हैं तो तो उनका जो नरेशन यानी अपनी जो स्टोरी को नरेट करना उनको बहुत अच्छा लगता था इवन ही नॉवल पचास की तक उनका कोई नॉवल उनके नाम पर नहीं था तो वन वन हैविंग नथिंग टू डू उन्होंने और कुड रीच ए लार्जर ऑडियंस कि नावल के हेल्प से वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं तो इसलिए भी नॉवल लिखना उनको अच्छा लगा अब रोल एंड क्यों जो है फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और व्हाट डिड ही वांट टू डू ये एक्चुअल इको के फ्रेंड थे और वो एसेस थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे जो भी उनकी स्कॉलरली एसेस हैं और वो चाहते थे कि कुछ क्रिएटिव राइटिंग करें और वो फ्रस्ट्रेटेड रहे और एक एसिस के तौर पे ही फ्रस्ट्रेटेड रहे और वो नॉवलिस्ट नहीं थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो अपना सपना पूरा कर पाते तो उनकी जो है डेथ हो जाती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट इकोज ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी एज एविडेंट इन द चैप्टर अब हम कैसे कहेंगे कि इको की जो ह्यूमिलिटी uh, है बड़ा जेंटल uh, पर्सनैलिटी है तो हम कहेंगे कोर्स वट एव है टेक सक्सेस इन इज ट्राइव एंड टॉक्स अबाउट इज अचीवमेंट्स इन ऑल मोडिस्टी यानी वो देखो कुछ छिपाते नहीं है सब कुछ बहुत क्लियरली बताते हैं एंड ही वेरी हम्बली गिवस क्रेडिट टू द पीपल्स कैपेबिलिटी ऑफ अप्रोचिंग डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस वो कहते हैं कि लोगों ने देखो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस को लाइक like किया ये भी बहुत अच्छी बात है रिगार्डिंग डूइंग सो मनी थिंग्स वो कहते हैं कि ये एक फॉलेशियस इंप्रेशन है एक्चुअल में मैं एक टाइम भी एक ही चीज कर रहा होता हूँ ये बात भी उन्होंने बड़े क्लियरली बताई है कि देखो आपको लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है मैं वन टाइम में वन ई चीज करता हूँ अगर कहीं द इंटरव्यू एज ए कॉम्युनिकेशन जोनर इज हर टू स्टे सो डिस्कस विद रेफरेंस टू द इंटरव्यू विद विदर्टो को तो अब इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस आपको बतानी है हम कहेंगे ये ऑफ कोर्स जो इंटरव्यू है वो कम्युनिकेशन देखें दैट हैज कम टू स्टे यस ऑफ कोर्स उसका बहुत बड़ा रोल है इसके जो डिट्रैक्टर्स हैं यानी जो सेलिब्रिटीज जो इसको ऑलमोस्ट लाइक like नहीं करते वो कहते हैं जो विक्टिम हो जाते हैं तो ये उन मानते हैं उनकी इंट्रूजन है उनकी लाइफ में हाउ एवर ए गुड इंटरव्यू कैन बी ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड हमारा जो सबसे बड़े इंप्रेशन है सेलिब्रिटीज़ को लेकर या कंटेम्प्रेरीज को वो सिर्फ इंटरव्यू से ही क्लियर हो पाते हैं और इंटरव्यू के थ्रू ही जो है भी हम जान पाते हैं इको के डाइवर्स राइटिंग्स के बारे में उनके इंटरेस्ट के बारे में फिलासफी को लेकर नॉन वायलेंस को लेकर पीस और उनकी एबिलिटी टू पुट एवरी स्पीयर मोवमेंट टू कंस्ट्रक्टिव तो ये इंटरव्यू से ही पता लगता है सो एट द इंटरव्यूर्स प्रॉम्पटिंग वो ये भी बताते हैं कि वो स्कॉलरली वर्क जो हैं वो इन्फॉर्मल स्टाइल में क्यों लिखते हैं हाउ ही स्टार्टेड राइटिंग नॉवल्स सब कुछ हमें पता लगता है तो so, हम जानते हैं कि एक अकेडमिशन है वैसे वो बाई हार्ट लेकिन वो साथ में बात करते हैं अपनी सक्सेस की जो उनको मिली है अपने नॉवल के थ्रू जो है ऐसी मिस्ट्री है सो सेंग डैट इट माई नोट हैव सोल्ड सो वेल के साथ इस को इस की दे चुका बहुत अच्छे तरीके से आप वो भी जरूर देखिएगा और नहीं अगर आपको वीडियो मिलती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए डायरेक्ट लिंक शेयर करूंगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा सो थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस डे